अस्सलाम बैठे। भाई अहमद साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुर्तजा के लिए साड़ियाँ इन्हीं की शॉप से आया करती थी। काशिफ यकीन करें, मुझे तो कसम से मुझे पता ही नहीं था कि ये आपका घर है। हम तो वो सरमत के आपका दोस्त समझ के यहाँ उसकी इयादत के लिए आए थे पहले। असल में मैंने बुलवाया था इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर अब सब खैरियत है? अब नरगिस बहन, आपने बुलवाया को, सरमत से कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो पिछली दफा कुछ गलत फहमी हो गई थी जब आप आए थे तो। ओ, गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? प्लीज मॉम, कुछ कुछ ऐसी बात ना कीजिएगा आप। नहीं अज़रा बहन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असल में वो पिछली दफा सरमद आपके साथ आया था तो हम समझे कि शायद आप शानजे का रिश्ता लेने आई हैं। नहीं 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 जी, नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपका हमारा तो कोई जोड़ कोई मेल ही नहीं है। मैं तो ऐसी बात कर क्या सोच भी नहीं सकता, यकीन करें। वो सरमद ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया है इस बात का हमसे। हाँ जी वकार साहब, यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। वकार साहब फिर इजाजत दीजिए, कोई अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा। जी जी, खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़।